हेलो गाइज एंड वेलकम टू 8 बार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बजाज पल्सर 150 डुअल डिस्क वेरिएंट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, ताकि ये बाइक आप सिलेक्ट कर सकें। इसके अंदर क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। तो गाइज वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। पहला पॉजिटिव पॉइंट आता है इसका ओवरऑल लुक। ये स्टैंडर्ड पल्सर 150 से बहुत अलग लगती है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर हेलमेट लगा आता हूँ, यहाँ से हेलमेट हटाने के बाद आपको दिख जाएगा ये स्प्लिट सीट वेरिएंट है। यहाँ पर आपको स्प्लिट ग्रैब रेल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। रियर का टेल सेक्शन ज़्यादा स्पोर्टी लगता है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मॉडल, और रियर में मडगार्ड को जैसे आते हैं। मफलर इसके अंदर आता नहीं, 120 सेक्शन का रियर टायर आता है। यहाँ पर मोटा टायर है, डबल डिस्क मॉडल है, और यहाँ पर देखने मिलते हैं कार्बन फाइबर की फिनिश। इसको रख देते हैं वैसे के वैसे, कार्बन फाइबर के स्टिकर्स मिल जाते हैं आपको, फिनिश नहीं है। रेड कलर के स्ट्राइप्स यहाँ पर भी सेम है, और कार्बन फाइबर के स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं इसके मडगार्ड के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बड़ा डिस्क मिलता है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मॉडल। और बाइक को ओवरऑल देखें, अपन साइड प्रोफाइल से बता देता हूँ आपको बाइक। तो साइड से कुछ ऐसी देखने मिलती है पल्सर 150 डुअल डिस्क मॉडल, जो कि ओवरऑल अच्छा पैकेज लगता है। अगर आप 150 सीसी में कम्यूटर प्लस स्पोर्टी बाइक देखना चाहते हैं तो ये बाइक बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो लुक्स में नो डाउट पल्सर 150 डुअल डिस्क वेरिएंट स्टैंडर्ड मॉडल से और यूनिकॉर्न से थोड़ा बहुत बेटर देखने को मिलता है इसके सेगमेंट के अंदर। तो यहाँ पर आपको पहला पॉजिटिव पॉइंट निकल गया था इसका ओवरऑल लुक। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट आता है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। यहाँ पर आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। बहुत सारे लोगों को फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल की शिकायत है, मतलब चाहिए था। यहाँ पर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, IFE, AFE, DTE, ओडोमीटर। DTE का मतलब होता है डिस्टेंस टू MT, AFE का मतलब एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, और यहाँ पर टैकोमीटर एनालॉग में मिलता है, जो कि अच्छा खासा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। इंजन चेक लाइट आती है, RPM लिमिट आती है, यहाँ पर न्यूट्रल लाइट, और यहाँ पर लो बीम हाई बीम लाइट, ABS इंडिकेटर, और यहाँ पर इंडिकेटर वाला इंडिकेटर, यहाँ पर चाबी मिलती है। ओवरऑल लुक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको अच्छा देखने को मिलता है। इसके अंदर एक गियर पोजीशन इंडिकेटर की कमी है, बाकी मोबाइल कनेक्शन की, बाकी सब आपको अच्छा मिल जाता है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इसलिए बनता है, अगर आप यूनिकॉर्न छोड़कर ये लेते हैं तो आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि यूनिकॉर्न के अंदर मिसिंग आते हैं। साथ ही साथ आपको बैकलाइट स्विचेस मिलते हैं, मतलब स्विचों में लाइट आती है, इसे ऑन करके बताना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप बैकलाइट स्विचेस देखने को मिलते हैं आपको, जो कि रात के समय आपको मदद कर देंगे। राइट साइड में आपको इंजन की स्विच मिलेगा, इसके नीचे सेल्फ स्टार्टर, लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम स्विच, और इसके नीचे इंडिकेटर वाला बटन, और इसके नीचे हॉर्न। हॉर्न भी बहुत अच्छा मिलता है आपको। इलेक्ट्रिकल सेक्शंस में बजाज ने कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि यहाँ पर हॉर्न बहुत लाउड मिलता है, यूनिकॉर्न जैसा नहीं है। मस्त हॉर्न आता है इसके अंदर, हॉर्न मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी लाउडनेस अच्छी है और साउंड भी अच्छा करता है। तो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल और ये सब फीचर्स, और रियर व्यू मिरर भी आपको अच्छा खासे प्रैक्टिकल देखने को मिल जाते हैं। तीसरा और मेजर पॉजिटिव पॉइंट है इसका इंजन। यहाँ पर आपको देखने मिलता है 150 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वेल्व DTSI BS6 फेस 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। इससे आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 14 BHP की, जो कि यूनिकॉर्न और FZ से ज़्यादा है। और साथ ही साथ यहाँ पर 13.2 Nm का टॉर्क मिलता है। टॉर्क थोड़ा कम आता है, लेकिन बाइक के अंदर जो परफॉर्मेंस है यूनिकॉर्न और FZ के कंपेरिजन में आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाती है। दोनों से अगर अपन रेस करेंगे तो ये बाइक जीत जाती है दोनों के सामने। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है बजाज ने, थोड़े बहुत वाइब्रेशंस आते हैं मानता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आता है इस बाइक का, जो कि 14 BHP की पूरी निकाल कर देता है। रेव वेंट बहुत अच्छा आता है इसका, और चलाते समय आपको पावर की कमी महसूस नहीं होती एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न और FZ Version 3। तो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन। चौथा पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है आपको डुअल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा कहेंगे कि FZ में भी आता है, लेकिन यूनिकॉर्न के अंदर मिसिंग है। और यहाँ पर डिस्क का साइज आपको 280mm का फ्रंट मिलता है, और रियर में आपको 230mm का डिस्क मिलता है। तो FZ के कंपैरिजन में थोड़ा आपको बाइट कम मिलेगा, लेकिन यूनिकॉर्न से बहुत बेटर आती है इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पर डुअल डिस्क आता है, और डुअल डिस्क रहने की वजह से क्या है, ड्रम की आवाज़ इसके अंदर आती नहीं, क्योंकि यूनिकॉर्न के अंदर ड्रम की आवाज़ बहुत आ रही है। मेरे पास बहुत बड़ी शिकायत है, वो मेरे को तो बहुत ज़्यादा शिकायत है यूनिकॉर्न के रियर के ड्रम से आवाज़ जो आती है उससे। तो यहाँ पर वो दिक्कत नहीं आने वाली, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है इस बाइक का। और चलाते समय आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी आता है, अगर आप 100 के ऊपर स्पीड में होंगे तो आप अर्जेंट ब्रेकिंग करेंगे तो बाइक अच्छा खासा फीडबैक प्रोवाइड करती है, मतलब इसके ब्रेक्स आपको अच्छा खासा फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। उसकी वजह से मेरे को क्या है, बहुत ही ज्यादा सेफ फील होता है, जो कि यूनिकॉर्न के अंदर थोड़ा बहुत मैं अनसेफ फील करता हूं। तो चौथा पॉजिटिव पॉइंट बन के निकलता है इसका डुअल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS का सिस्टम।
पांचवा पॉजिटिव पॉइंट है इनके टायर्स। यहाँ पर आपको फ्रंट में 90 सेक्शन का टायर मिलता है, 90-90-17 इंच का अलॉय व्हील। और यही बात करें रियर की, तो रियर में आपको 120 सेक्शन का टायर मिलता है, यूनिकॉर्न से 20 mm ज़्यादा आता है रियर वाला टायर, और फ्रंट वाला 10 mm ज़्यादा, और 17 इंच का अलॉय व्हील है। तो यहाँ पर यूनिकॉर्न से तो मोटे टायर दे दिए इसने, ये अच्छी बात दिखी मुझे। यूनिकॉर्न में थोड़े पतले टायर आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती उससे मोटे टायर की, लेकिन यहाँ पर मोटे टायर का फायदा ये है कि आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर आपको देखने मिलेगी परफॉर्मेंस, कॉर्नर के अंदर आप आराम से कॉर्नरिंग कर सकते हैं, जो कि यूनिकॉर्न के अंदर थोड़ा दिक्कत देती है। यहाँ पर कॉर्नरिंग आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 120 सेक्शन का रियर टायर आता है। तो यहाँ पर पांचवा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है इसके वाइडर टायर। छठा और बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसकी टैंक कैपेसिटी। यहाँ पर आपको 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू यूनिकॉर्न और FZ। यहाँ पर 2 लीटर टैंक कैपेसिटी ज़्यादा आती है। माइलेज ऊपर नीचे होगा, लेकिन यहाँ पर टैंक कैपेसिटी तो आपको अच्छी मिल जाती है ना, टूरिंग करना हो, लॉन्ग राइड्स करना हो, तो ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। ज़्यादा आपको पेट्रोल पंप के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती यूनिकॉर्न के अंदर, और अपने FZ के अंदर भी अच्छी है टैंक कैपेसिटी, लेकिन यहाँ पर 15 लीटर होना बहुत बड़ा एडवांटेज होता है पल्सर 150 को। तो यहाँ पर अगला पॉजिटिव पॉइंट, छठा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी। सातवां पॉजिटिव पॉइंट है इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की जो कॉस्ट आती है। मेरे पास यूनिकॉर्न है, बहुत सारे पार्ट्स कभी कभी अवेलेबल नहीं होते उसके, जैसे कि मेरे बाइक का फुटरेस्ट टूट गया था, अभी तक भी मेरे को मिला नहीं शोरूम के ऊपर, और इसके अंदर आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती। पल्सर के जो पार्ट्स हैं बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, छोटे छोटे गांव में भी आपको इसके पार्ट्स मिल जाते हैं, और कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा नहीं आती जितना यूनिकॉर्न और FZ के पार्ट्स में आती है, क्योंकि इंडियन ब्रांड है तो बजाज अपने इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और सस्ते में पार्ट्स देता है। सातवां पॉजिटिव पॉइंट है, एक तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी, दूसरा कम कॉस्ट वाले पार्ट्स। इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जैसे कि यूनिकॉर्न और FZ के यूज़र करते हैं, ये एक फ़ायदा है। और आठवां पॉजिटिव पॉइंट, यहाँ पर राइड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। इसका हैंडल बार क्लिप ऑन है और दूसरा क्या थोड़ा नीचे की तरफ है वो, उससे क्या आपको थोड़ा लीन होकर बैठना पड़ता है। आपको थोड़ा बहुत राइड कम्फर्ट यूनिकॉर्न और FZ से कम मिलेगा, लेकिन जो राइड क्वालिटी है आपको कॉन्फिडेंस अच्छा मिलता है। चलाते समय ऐसा नहीं लगता कि आप 150cc बाइक चला रहे हैं, ऐसा लगता है 160cc है या फिर 200cc की बाइक है। उस हिसाब से राइडिंग पोजीशन दी है बजाज ने, और ये पूरा ख्याल रखा है कि यहाँ पर डुअल डिस्क मॉडल थोड़ा स्पोर्टी होना चाहिए एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मॉडल। तो बजाज ने अच्छी खासी डिटेलिंग में इसका काम किया है। यूनिकॉर्न और FZ के कंपैरिजन में ये बाइक स्पोर्टी रहती है और आपको 140,500 रुपये के बजट में मिलती है। तो उस हिसाब से मेरे को ये 8 पॉजिटिव पॉइंट लगे। इन 8 पॉजिटिव पॉइंट में से आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे को, और किसी को कोई भी बाइक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट करो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर DM करो, आपको सभी का आंसर मिल जाएगा इंस्टाग्राम DM पर और यहाँ कमेंट सेक्शन में। तो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर 150 डुअल डिस्क BS6 फेस 2 के 8 पॉजिटिव पॉइंट बताए। आपको बाइक कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस, बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।